जिसकी मम्मी है वो सरकार की कमी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार की कमी है, वो सरकार की कमी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे, जहां पर उन्हें एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोक कर रखा गया, जिसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच में वाद विवाद चल रहा है। इसी विषय को देखते हुए मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे ने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, जिस पर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे कई बड़े नेताओं के पुतले जलाए। क्या कारण क्या है, आप पूरा देश जानता है, सब इस विषय का हम लोग निषेध कर रहे हैं। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री के साथ पंजाब सरकार ने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बोले ऐसी घटना हुआ है, आज ये काला दिन था कल का दिन, जिस तरह पंजाब सरकार ने एंड टाइम पे उन्होंने बोला कि वहाँ के मौसम ख़राब है, वही हेलीकॉप्टर से मोदी जी जाते हैं, वो सब ठीक रहता है। जब स्टेट का जब हेलीकॉप्टर प्लेन देने का टाइम आता है तो बोलते हवामान ख़राब है, फिर DGP फ़ोन नहीं उठाते हैं, बोलते रास्ता क्लियर है, और जब वो रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पे आंदोलन होता रहता है। मतलब ये पंजाब सरकार जानबूझ के ऐसा किया है कि मोदी जी के साथ ये सब बोलते जनता का प्रेम था, आज मोदी जी हमारे साथ में है और उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, हमेशा वैसी देश की सेवा करते रहेंगे। इसका युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन जारी रखी, जब तक वहाँ की सरकार का अगर उन्होंने वहाँ पे उसका माफ़ी नहीं मांगा देश से, तो ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चुप नहीं रहेगी, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। ये खालिस्तान समर्थक पंजाब सरकार द्वारा माननीय पंत प्रधान मोदी जी का ये जो अपमान है, ये भारत देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पंजाब सरकार की जो ये नीति है कि केंद्र सरकार से सौतेला व्यवहार करने की, ये पंजाब सरकार बाज आए। जो खालिस्तानी समर्थक सरकार है हमारे मोदी जी, जो पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के लिए बड़ी सौगात और जो कार्यक्रम जा रहे थे, उनका आंदोलन इस तरीके से, उनका विरोध बहुत बुरी बात है। इसका सरकार, इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा तीव्र आलोचना करती है और पंजाब सरकार से ये मांग करती है कि मोदी जी को आप मोदी जी से क्षमा मांगे और देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी का अपमान हम भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेंगे। मोदी जी सिर्फ भाजपा के नेता और भाजपा के प्रांत तक नहीं है, ये पूरे 135 करोड़ देशवासियों के प्रांत तक है। अगर उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये सरकार को देखना चाहिए और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जैसा कि दो दिन से हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर कि वहाँ पंजाब सरकार ने जो अपनी हरकत की है उसका निंदा हम पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा करते हैं, और भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे दरोगा पांडे जी के नेतृत्व में आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर एक प्रदेश में जिम्मेदारी मिली है उनको और वहाँ पे वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते प्रधानमंत्री को, तो बाकी राज्यों में वो क्या करेंगे। और यही है जो उनका आने वाला रिजल्ट दिखेगा, चाहे यूपी का इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, इसी तरह से उनको वापस लौटाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो युवा जिला अध्यक्ष हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग है कि पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे, अन्यथा वो इसी तरह से कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रदर्शन जाहिर करते रहेंगे। इंडियन सिटीजन TV की रिपोर्ट।